अभी हमारा डिस्कशन हुआ लंबा, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ, और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है, तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। सीएम का चेहरा क्या कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश में? भैया 150 सीटें आने वाली है। थैंक यू। अभी बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, इसमें वरिष्ठ नेता सब उपस्थित थे और इसमें चर्चा हुई, क्योंकि सवा चार महीने बचे हैं चुनाव में, तो कैसी रणनीति बनाई जाए और आज मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर चर्चा हुई। आज प्रश्न केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं है, पर पूरे मध्य प्रदेश की भविष्य का है कि कैसा मध्य प्रदेश हम चाहते हैं। मुद्दों पर बात करी कि कौन कौन से हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे, कौन कौन किस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे, और इसमें सब एकता के साथ मैदान में उतरेंगे। राहुल गांधी ने 150 सीटें देने की बात कही है कि आप लोगों को 150 मिलेगी, आपका क्या? जो राहुल गांधी जी ने कहा है हम सब उनकी बात से सहमत हैं। सर कर्नाटक में 5 गारंटी आपने रखी थी वहाँ पर और उसका बहुत फायदा हुआ कांग्रेस को, जनता से जुड़े मुद्दे, ऐसी क्या कोई गारंटी मध्य प्रदेश में भी आप रखने जा रहे हैं? हमने शुरुआत कर दी है, हमारी नारी सम्मान योजना है, हमारे किसानों के लिए है, हमारे गैस सिलेंडर की बात है, कुछ अभी कर रहे हैं, कुछ आने वाले समय करेंगे, ये भी तो आपको इंतजार करनी है। सब गोलियां हम साथ थोड़ी ना चलाएंगे।